मेरा नाम कुशाल कुमार है, मारुति सुजुकी वैगनआर का ZXi वेरिएंट। इस वीडियो में आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको इस कार का लोअर वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि BXi वेरिएंट था। अगर आप ZXi वेरिएंट को एक्सटीरियर से देखते हैं तो देखने में तो आपको पूरी ये BXi वेरिएंट की तरह लगेगी, क्योंकि जो मेनली डिफरेंस है दोनों वेरिएंट में वो इंजन में दिया गया है। क्योंकि जो BXi वेरिएंट है उसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है और जो ZXi वेरिएंट है उसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन ऑफर करा जाता है। जिन भी बंदों को BXi वेरिएंट में जो फीचर्स हैं वे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, पर लेकिन इंजन उनको इतना पसंद नहीं आता, उसका अंडर पावर लगता है, तो उन्हीं कस्टमर्स के लिए है ZXi वेरिएंट। बेसिक फीचर्स के साथ आपको पावरफुल इंजन मिल जाता है जो कि 1.2 लीटर का रहेगा। अच्छी पावर रहेगी, अच्छी टोर्क आपको उसमें मिल जाएगी, तो इंजन वाइज भी और फीचर्स वाइज भी बेस्ट रहने वाला है। तो विषय मैं कर रहा हूँ शाकुमरी मारुति सुजुकी शोरूम पर। इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब कोई सी मारुति कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स तो आपको सभी मिल जाते हैं इस कार में, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, व्हील कवर्स हो गए, रिमोट सेंटर लॉकिंग हो गई, और इनके अलावा भी काफी बढ़िया फीचर्स आपको दिए जाते हैं। और कुछ फीचर्स भी ऐसे हैं जो कि आपको ZXi वेरिएंट में ज्यादा मिल जाते हैं अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके लोअर वेरिएंट यानी कि BXi वेरिएंट से। और BXi और ZXi वेरिएंट में 28,500 रुपीस का प्राइस डिफरेंस है जो कि वर्थ इट है अगर आपको पावरफुल इंजन चाहिए। चलिए फिर देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर में ऑफर करे आते हैं। और ये रही फ्रंट प्रोफाइल इस कार की। फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और इंडिकेटर में दिया जाएगा आपको बल्ब। और ये रही ग्रिल इस कार की। सुजुकी का होगी लोगो, क्रोम लाइंस दी जाएंगी। फोग लैंप्स आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं दिए जाते हैं, सपर वेरिएंट में आपको फोग लैंप्स दिए जाते हैं। और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की। 14 इंच के आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स। 165/70 और 14 इंच की प्रोफाइल रहेगी। इंडिकेटर मिल जाएगा आपको उसके फेंडर पे। और इस कार का ORV जो कि आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, ऊपर साइड हो गया एंटीना, और डोर हैंडल्स हो गए बॉडी कलर के। और जो इंटीरियर रहेगा आपको डुअल कलर में मिल जाएगा। जो भी फीचर्स दिए गए हैं वो सब कुछ इस वीडियो में हम देख लेंगे। ORV के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो बी पिलर रहेगा वो आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा। BXi वेरिएंट में आपको बॉडी कलर का बी पिलर मिलता है। फ्यूल लिड हो गया इसके को ड्राइवर साइड। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की 32 लीटर की रहने वाली है। और फिर ये कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। अगर आप एक्सटीरियर से देखते हो तो काफी बढ़िया डायमेंशन इस कार की लगती है। हाइट जो है इस कार की वो स्विफ्ट से ज्यादा रहेगी, जिस वजह से कैबिन भी इस कार का जो है वो काफी स्पेसियस लगता है। ऊपर साइड आपको रेयर स्पॉइलर नहीं मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा। और रेयर डिफोगर बोशर जैसे फीचर्स में नहीं दिए गए हैं। और ये इसकी टेल लाइट जिसमें आपको हैलोजन बल्ब मिल जाएगा। इंडिकेटर और बैक लाइट में भी सुजुकी का हो गया लोगो, क्रोम लाइन मिल जाएगी। इस पर वैगनआर की बैजिंग दी गई है। नीचे साइड हो गए पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स। तो चलिए मैं आपको उस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको उस कार के बूट में। पांच ट्रे दी जाएगी आपको, 341 लीटर का दिया जाएगा आपको इस कार में बूट स्पेस। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। बेसिक फीचर्स आपको सभी मिल जाते हैं, जैसे रिमोट सेंटर लॉकिंग हो गई, व्हील कवर्स हो गए। अगर आप एक्सटीरियर से देखेंगे BXi ZXi वेरिएंट को तो एक्सटीरियर से सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि बी पिलर आपको उसमें ब्लैक कलर का मिल जाता है और BXi वेरिएंट में आपको बॉडी कलर का बी पिलर मिलता है। फिर कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है अगर आप इन दोनों वेरिएंट को कंपेयर करते हैं। मेनली जो डिफरेंस है वो इंजन में है। जिन भी बंदों को पावरफुल इंजन चाहिए वो ZXi वेरिएंट पे अपग्रेड कर सकते हैं, जिस वजह से टॉप रिकमेंडेड है अगर आप हाई पावर और हाई टॉर्क चाहते हैं अपनी कार में। तो वो इंटीरियर में भी आपको काफी बढ़िया फीचर्स कार में दिए गए हैं। क्या क्या फीचर्स हैं वो सब कुछ इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो वे इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, कितना पावरफुल इंजन आपको ZXi वेरिएंट में मिल जाता है। K12 एंड 1200 cc का इंजन मिल जाएगा आपको उस कार में, जो कि प्रोड्यूस करता है 90 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क, और 4 सिलेंडर इंजन रहेगा ये। BXi वेरिएंट में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। तो चलिए फिर इंटीरियर देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में ऑफर करे जाएंगे। वो जैसे आपसे डुअल कलर में रहने वाला है इंटीरियर कार का, क्योंकि देखने में काफी बढ़िया और प्रीमियम लगता है। और डोर मिल जाएगा आपको ब्लैक कलर में, डोर ओपनर हो गया सिल्वर कलर का। तो वैसे रहने वाला इंटीरियर कार का डुअल कलर में रहने वाला है जो कि आपको BS वेरिएंट से ही ऑफर करा जाता है। सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको इस वाले वेरिएंट में। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील्स है। सुजुकी का हो गया लोगो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो गए, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। लेदर रैप जो स्टीयरिंग व्हील करा गया है इसका सीरीज का पार्ट है। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्पीडोमीटर मिल जाएगा आपको बीच में, RPM मीटर इसमें आपको नहीं दिया जाता है। कुछ अलर्ट लाइट्स हो गए यहाँ पर, वो फ्यूल के लिए हो गया यहाँ पर। यहाँ पर आपको स्टिक मिल जाएगी ट्रिप लगाने के लिए। और ये ड्राइवर साइड AC वेंट। और BS6 फेज 2 में आपको यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए बटन मिल जाएगा। और ये सेंटर कंसोल इस कार का, 2D का मिल जाएगा आपको उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ रहेगा। यहाँ पर हो गया हजार्ड लाइट का बटन, मैनुअली AC हो गई,
12 वोल्ट का हो गया पावर शो के, थोड़ा स्पेस हो गया, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ तरह का गियर नोब दिया गया है। और ये रहा ड्राइवर साइड सन वाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा, कैबिन लैंप हो गया, IRBM मैनुअली डेनेट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये रहा को ड्राइवर साइड सन वाइजर, वैनिटी मिरर हो गया, ग्रैब हैंडल और कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहेंगी इस कार में, जिनमें आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर, डोर में हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो हो गई, वाटर बॉटल स्पेस हो गया। और कितने साइज का रहेगा फिर इसमें ग्लोव बॉक्स, काफी छोटे साइज का ग्लोव बॉक्स रहने वाला है। SRS एयरबैग की बैग्स होगी वहां पर, फ्रंट टू एयरबैग्स रहने वाले हैं। तो ओवर कुछ तरह का था फ्रंट सीट पर बैठकर, जो भी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको बताए दिए हैं। चलिए फिर लेके चलते उस कार की रेयर सीट पर, वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है वहां पर। तो कितना लेग रूम मिल जाएगा आपको उस कार में, और रेयर सीट पर बैठे उस तरह का लगेगा। डैशबोर्ड जैसा आपको दिखाई देता, फ्रंट में कैबिन लैंप हो गया, फिर आपको यहाँ पर कोई भी कैबिन लैंप नहीं मिलता है। फ्रंट में हो गया फिक्स हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको कोई भी रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। कितने साइज का मिल जाएगा आपको यहाँ पर बम्प। और ये बैक डोर इस कार का, डोर में हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बटन बोर्ड का स्पेस हो गया, डिफरेंट स्पेस और स्पीकर। तो चलिए फिर ओवर कुछ तरह का इस कार का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं उन्होंने आपको सभी दिखा दिए। तो ऐसे हमने देखा कुछ तरह का था इस कार का वॉक अराउंड, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर डायरेक्शन में मिल जाते हैं उन्होंने आपको सभी दिखा दिए। जिन भी बंदों को ऐसा वेरियंट चाहिए वैगनआर का जिसमें आपको पावर भी अच्छी मिल जाए, टॉर्क भी अच्छी मिल जाए, तो उनके लिए ZXI वेरिएंट टॉप रिकमेंडेड है। बेसिक फीचर्स भी आपको उसमें सभी मिल जाते हैं, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, रिमोट सेंटर लॉकिंग हो गई, व्हील कवर्स हो गए, स्टीयरिंग पावर विंडो कंट्रोल्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, कुछ ऐसे फीचर्स आपको ZXI वेरिएंट में ऑफर करे आते हैं। तो फिर आपको आफ्टर मार्केट बर्क कराने की तो कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है जब इतने फीचर्स आपको ऑफर करे जाएंगे। अगर फिर आपको टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, अलॉय व्हील चाहिए, तो आप ZXI प्लस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं 50,000 रुपीज एक्सपेंसिव है वाले वेरिएंट से। तो चलिए फिर आपको इस कार की और ब्रांड की वीडियो देखनी है, अभी किसी और कार का बोकड़ा देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं।